स्टूडेंट्स वेलकम बैक. नाउ टाइम फॉर चैप्टर 9. दिस इज चैप्टर 9. गॉड इज ओमनिपोटेंट, यानी कि भगवान हर जगह है, वो सब शक्तिमान है. देखिए, इन ओल्डन डेज, पुराने समय में, द रियल गुरुज स्कॉलर, जो रियल गुरुज यानी कि जो पंडित थे, डिड नॉट लिव इन द टाउन्स और सिटीज. वो जो गुरुज थे वो टाउन या सिटीज में नहीं रहते थे. Rather they lived in the peaceful atmosphere of the forest. वो जंगल के एकदम शांत भरे एटमोसफेयर में रहते थे. स्टूडेंट हैड टू गो टू देयर आश्रम गुरुकुल फॉर लर्निंग. और स्टूडेंट्स जो थे वो आश्रम में जाने के गुरुकुल में जाते थे उनसे सीखने के लिए. दे हैड टू स्टे देयर एज इज पुपिल्स, और उन्हें वहाँ उनके विद्यार्थी के रूप में वहाँ पर रहना होता था. They studied and did all such works were considered necessary to develop qualities in life. और वो study करते थे किस तरीके से work करें और हमें अपनी life में क्या क्या development की ज़रूरत है और क्या क्या करना ज़रूरी है. You must have heard that during childhood, Lord Ram along with his brother Lakshman had also spent many years in the ashram of Guru Vishwamitra. यानी कि आपने सुना ही होगा बचपन में कि जो लॉर्ड राम थे और उनके ब्रदर लक्ष्मण, वो भी कई सालों तक आश्रम में रहे थे अपने गुरु विश्वामित्र के साथ. इन दिनों में देर वार वाजे गुरुकुल विच वॉज फेमस ऑल ओवर द कंट्री. और एक गुरुकुल था जो बहुत ही ज़्यादा फेमस था हर कंट्री में. द गुरु वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड पुपिल्स फ्रॉम फार एंड नियर कम टू लर्न फ्रॉम हिम. और उन गुरु वो जो गुरु थे बहुत ही ज़्यादा महान पंडित थे और वहाँ पर दूर दूर से जो गुरु थे उनके पास कई पंडित और स्टूडेंट्स पुपिल्स यानी कि विद्यार्थी दूर दूर से उनके पास सीखने के लिए आते थे. दे लिव्ड इन द गुरुकुल, वे गुरुकुल में रहते थे. बिसाइड देयर स्टडीज दे डिड ऑल वर्क्स ऑफ द गुरुकुल, एंड वो स्टडी करते थे और वहीं पर ही रहते थे गुरुकुल में ही. Among these pupils was a young boy named Nishant. और इन सब विद्यार्थियों में एक यंग बॉय था जिसका नेम था निशांत. He was very intelligent and attentive. वो बहुत ही ज़्यादा intelligent और attentive था. The guru loved him very much. और गुरु उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. After many years of studies, when they had learnt everything, the guru decided to send them back. कुछ सालों की स्टडी के बाद जब वो सब कुछ सीख गए तो गुरु ने डिसाइड करा कि वो उन्हें वापस भेज देंगे. बट बिफोर डैट ही वांटेड टू हैव अ टेस्ट, लेकिन उससे पहले वो एक उनकी परीक्षा लेना चाहते थे. वन डे ही कॉलेज पुपिल्स, एक दिन उन्होंने अपने सभी विद्यार्थियों को बुलाया. आई हैव टॉट यू एवरीथिंग एंड हाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू रिटर्न होम, कि अब मैं आपको सब कुछ सिखा चुका हूँ और अब आपका समय आ गया है आपके घर वापस लौटने का. बट बिफोर डैट You have to do something for me, he said. लेकिन उसने कहा जाने से पहले आपको मेरे लिए कुछ करना होगा. All the pupils were too eager to do anything for their guru. और सभी उत्सुक थे अपने गुरु के लिए कुछ भी करने के लिए. He gave a pigeon to each of them and said, take the pigeon along with you and kill it. कि इस पिजन को अपने साथ लेकर जाओ और इसे एक अलोन जगह में मार दो अकेले में. देन कम बैक टू मी अलोंग विद द डेड ऑफ पिजन, और तुम मेरे पास आना इस मरे हुए पिजन को लेकर के. बट रिमेंबर यू शुड किल इट एट सच प्लेस वेयर नोबडी कैन सी यू किलिंग. लेकिन इतना याद रखना कि तुम इसे तभी मारना कबूतर को जब तुम्हें कोई भी देख नहीं रहा हो. Thought the pupils were baffled at such an order, they took the pigeon and left. इनकी सभी pupils ने क्या किया कि उस कबूतर को pigeon को अपने गुरु से ले लिया और वहाँ से चले गए. Some went to the forest and killed it. कुछ forest में चले गए और forest में जाकर के उसे मार दिया. The other went to a lonely place and left after satisfying themselves that nobody was around, kill it. And अदर जो थे कोई लोनली प्लेस यानी कि जहाँ पर उन्हें कोई नहीं देख रहा, उन्होंने सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ हमारे चारों ओर कोई नहीं है, कोई हमें नहीं देख रहा है,
तो उस जगह पर जाकर के उन्होंने उसे मार दिया। सून एक्सपेक्ट निशान रिटर्न अलोंग विद द डेड पिजन्स इन देयर हैंड्स। सो द गुरु रिसीव देम ऑल एंड आस्क देम टू वेट फॉर निशान। सभी एक एक करके गुरु के पास आ गए और अपना डेड पिजन गुरु को दे दिया। लेकिन वहाँ पर निशांत अब तक नहीं आया था, सब निशांत का वेट कर रहे थे। टाइम पास्ट बट निशांत वाज नाउ हैवर टू बी सीन। टाइम काफ़ी टाइम हो गया लेकिन वहाँ पर निशांत नहीं आया। एवरीबडी वाज एंसेक्सली वेटिंग फॉर हम, और सभी बड़ी उत्सुकता से उसका वेट कर रहे थे। व्हेन इट ग्रू डार्क, जब अंधेरा होने लग गया तो गुरु डिसाइडेड टू गो सर्च फॉर हिम। तो गुरु ने डिसाइड करा कि वो उसे जाएंगे और उसे ढूंढेंगे। अलॉन्ग विद सम अदर पीपल्स ही सेट आउट टू सर्च हिम इन द फॉरेस्ट। वो अपने और अदर स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को लेकर गए और उसको ढूंढने लग गए। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, काफ़ी देर ढूंढने के बाद, व्हेन दे वर ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटेड दे एंड दे सो निशांत सिटिंग नियर ए केव विद द पिजन इन द हैंड। और काफ़ी समय ढूंढने के बाद उन्हें कहीं पर भी निशांत नहीं मिला। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए और वापस आने लगे। तब उन्होंने देखा कि एक केव के बाहर निशांत बैठा हुआ है और उसके हाथ में पिजन है। इट वाज स्टिल अलाइव, जो कि जिंदा है। व्हेन ही सॉ द गुरु ही बिगिन टू वीप बिटरली। जब उसने अपने गुरु को देखा तो उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। द गुरु लिफ्टेड हिम अफेक्शनेटली। गुरु वहाँ उसके पास गए। सीइंग द पिजन स्टिल अलाइव ही सेड व्हाट इज़ द मैटर, डिड नॉट यू फाइंड एनी लोनली प्लेस टू किल इट। गुरु ने कहा क्या हुआ तुम्हें इस पिजन को मारने के लिए कोई भी लोनली प्लेस, अकेली जगह नहीं मिली। गुरुदेव निशांत सेट हेसिटेंटली। गुरुदेव निशांत ने बहुत ही ज़्यादा झिझकते हुए कहा आई वॉन्ट एवरीवेयर एंड ट्राई टू किल इट। मैं हर जगह गया इसे मारने की कोशिश की। आई वेंट बिहाइंड द टॉल ट्री, मैं एक लंबे से ट्री के पीछे गया। बट कुड नॉट किल इट, बट इसे नहीं मार पाया। इट एज द बर्ड वॉज सिटिंग ऑन इट, क्योंकि उस ट्री पर बर्ड्स बैठे हुए थे। वेंट बिहाइंड ए बश, बट अगेन आई कुड किल इट। आई थिंक इट थिंकिंग डेट इवन द प्लेस हैव लाइफ। फिर मैं दे कैन सी मी, फिर मैं यहाँ पर मारने के लिए आया भी था लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि जो ट्रीज हैं वो तो अलाइव हैं, तो वो मुझे देख रहे हैं, इसलिए मैं नहीं मार पाया। At last I went inside a cave, thinking that it was the proper place to kill the pigeon as there is nothing around except the rocks. और जब मैंने लास्ट में मैं इस केव के अंदर गया, मैंने सोचा कि केव तो ये तो पत्थर है, ये नॉन लिविंग है, इनमें जान नहीं है, ये मुझे नहीं देख पाएंगे और मैं इसे यहाँ पर मार दूँगा। But when I was about to kill it, जब मैं इसे मारने ही वाला था, your words came to my माइंड, आपके कहे हुए शब्द मेरे दिमाग में आ गए। यू हैड टॉट अस दैट गॉड इज एवरीवेयर, आपने हमें सिखाया था कि भगवान हर जगह है। ही कैन सी यू वॉट एवर वी डू एंड वेन एवर वी आर। उन्होंने आपने कहा था कि भगवान हमें कहीं भी हो हम देख सकता है, कुछ भी कर रहे हो यानी कहीं पर भी कुछ भी करें, कोई चाहे देखे या न देखे भगवान हमें ज़रूर देखता है। आई हैव फेल्ड इन सर्विंग यू गुरुदेव, My learning is incomplete. He burst into tears. और उसने कहा कि मैं फेल हो गया गुरुदेव, मैं अपनी जो स्टडी थी उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। और वो इतना कह कर के रोने लग गया था। गुरु वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, गुरु बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। ही इम्प्रेस्ड हिम एंड सेड आई एम वेरी ग्लैड डैट यू हैव लर्न द रियल लेसन ऑफ लाइफ, यू हैव अंडरस्टूड डैट वी कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम गॉड। He is present everywhere. He can see all our deeds. उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने लाइफ का रियल लेसन को सीखा तुमने, और तुम्हें ये याद रहा कि भगवान हर जगह है। कहाँ भगवान हर जगह है, वो हमें हम कहीं पर भी चले जाएँ हम उससे नहीं छुप सकते, वो हम कुछ भी करें हाँ उसके बारे में भगवान को पता होता है। तुम फेल नहीं हुए हो बल्कि तुम पास हुए हो, सिर्फ और तुम ही अकेले पास हुए हो, क्योंकि सभी जो स्टूडेंट्स हैं उन सब ने सभी ने पिजन को मार दिया था। सिर्फ एक निशांत ही था जिसने पिजन को नहीं मारा था, क्योंकि उसे कोई भी लोनली प्लेस नहीं मिला था। क्योंकि जब जंगल में गया तो ट्रीज थे, ट्रीज भी लिविंग थिंग होते हैं, ट्रीज पर बर्ड थी वो भी उसे देख रही थी। एंड जब केव में गया तो वहाँ पर
गॉड देख रहे थे इसलिए वो उसे नहीं मार पाया। और अपने गुरु के टेस्ट में जो परीक्षा ली थी उसमें निशान थी, सफल हुआ। योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट।